फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, जब भी हम स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो सबसे पहले हम स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर कौन सा लगा है, रैम कितना जीबी है, इंटरनल स्टोरेज कितना लगा है और कैमरा कितना मेगापिक्सल का है। इसी के साथ साथ फोन का कलर भी देखते हैं कि फोन का कलर कौन सा है, और हम अपने हिसाब से कलर चूज कर लेते हैं, लाइक व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो, पिंक एक्सेट्रा। लेकिन एक बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि अब आपको कलर चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि Vivo कंपनी लाने वाली है कलर चेंजिंग स्मार्टफोन्स, यानी आम भाषा में कहें तो रंग बदलने वाला फोन। जैसे हम कहते हैं ना, गिरगिट हमेशा रंग बदल लेता है, ठीक उसी तरह ये स्मार्टफोन भी गिरगिट के जैसा ही है रंग बदलने के मामले में। इस अनोखे स्मार्टफोन का फीचर कुछ ऐसा है, एक बटन के टच से बदलता है फोन का कलर, स्मार्टफोन के बैक पैनल का कलर। अगर हम कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है ये फोन। दोस्तों, Vivo ही एक ऐसी कंपनी है जो अपने स्मार्टफोन को इस लेवल डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन के बैक पैनल का कलर चेंज करने का सिस्टम दिया गया है। ये देखने में आपको बिल्कुल जादू जैसा लगेगा, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है वो है इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास, जो स्मार्टफोन के बैक पैनल पर ह्यू को बदलेगा। इसका एक और उदाहरण है, जैसे बहुत सारी कार्स की जो सनरूफ होती है उसमें इस चीज को, यानी इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास का यूज किया जाता है। आपको बता दें कि जनवरी में OnePlus ने OnePlus Concept One फोन को समान इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास के साथ दिखाया था, जिसकी वजह से फोन का बैक कैमरा ग्लास के अंदर छिपा जाता था, और जैसे ही लोगों को फोटो खींचनी होती थी तो कैमरा ऑन करते थे, तब कैमरा ट्रांसपेरेंट हो जाया करता था। तो ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि Vivo ने अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए OnePlus Concept One से इंस्पिरेशन ली है, जिसे इसी साल के शुरुआत में लॉस वेगस में दिखाया गया था। OnePlus कंपनी ने अपने कैमरे के सेटअप पर इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास का इस्तेमाल किया था, जो पीछे दी हुए कैमरा सेंसर्स को छुपाने का काम करता था। और इसकी पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि इसमें ड्यूअल LED फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। और सबसे अहम सवाल ये कि ये स्मार्टफोन आवाम तक कब पहुंचेगी। तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन एक साल के अंदर आ जाएगा, फिर आप इसे यूज कर पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है इस स्मार्टफोन को यूज करने के लिए, और इस स्मार्टफोन में आप कौन सा कलर यूज करना चाहेंगे, तो कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें ये शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिल सके। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।